कॉमेडी हो या संजीदा फिल्म, अपनी हर फिल्म में दर्शकों की वाहवाही लेते हैं सुनील शेट्टी, और इस बार रेड अलर्ट में क्या तैयारी कर रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अन्ना, रेड अलर्ट में इस बार क्या नया करने जा रहे हैं? एक सिंपल फार्मर, फार्म लेबरर का किरदार निभा रहा हूँ, जो नक्सल मूवमेंट को ज्वाइन करता है। उसकी ज़िंदगी में वो मूवमेंट ज्वाइन करने के बाद होता क्या है, इस वक्त फिल्म इज़ ऑल अबाउट। एक बहुत ही सेंसिटिव फिल्म है नक्सल मूवमेंट के ऊपर, जो हमारे मेरे हिसाब से सबसे बड़ी इशू है, देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि खून खराबा बहुत मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही हो रहा, और अगर हम सब मिलकर इस इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो आई थिंक इट विल बी वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। और मिलकर करना इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई बहन हैं जो सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं, एंड जो भी उनके इश्यूज हैं, आई थिंक इफ़ वी वर्क टूवर्ड्स इट कलेक्टिवली एक चेंज डेफिनेटली हम ले आ सकते हैं। नरसिम्हा का करेक्टर ही क्यों, और भी बहुत से करेक्टर्स थे? क्योंकि बहुत ही अलग रोल है मेरे लिए, बहुत ही इमोशंस के थ्रू गुजरता है नरसिम्हा, एक फार्मर से लेके, एक नक्सल से लेके, एक फ्यूजिटिव जहां वो पुलिस से भी भाग रहा और अपने दलम से भी भाग रहा, और एक ट्रू स्टोरी। तो इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलता एक परफॉर्म करने के लिए, और साथ साथ धुरंधर एक्टर्स जो है, दिग्गज एक्टर्स जो मेरे साथ हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, थ्रू आई थिंक 80% ऑफ देम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के हैं, तो एक मौका अच्छे एक्टरों के साथ काम करने का। अगर बात करी जाए टैक्स लाइट की, कितना आप वाकिफ़ हैं कि बहुत ज़्यादा देश हमारा जूझ रहा है समस्या से, क्या लगता है कि रिलेट कर पाएंगे लोग इस मूवी से? डेफिनेटली लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि कॉमन मैन की कहानी है, गवर्नमेंट इशू है, तो गवर्नमेंट के लोग हो, कॉमन मैन हो, जो हर रोज़ इसके बारे में पेपर में पढ़ रहा है, उसे एक्चुअल पता, उनको एक्चुअल विजुअली पता चलेगा और दिखेगा कि होता क्या है और क्यों हो रहा है ये, और जितनी बड़ी समस्या होनी चाहिए थी है नहीं, और अगर कोशिश की जाए और एक कलेक्टिव एफर्ट की जाए तो रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है उनके, आसानी से हम इस इश्यू को टैकल कर सकते हैं। ये तो बात हुई आपकी इस फिल्म के, आपके किरदार की, कॉमेडी और ये संजीदा रोल, दोनों में कितना मतलब वेरिएशन, मुश्किल होता है आसान होता है? मुश्किल है, क्योंकि दिस इज बहुत ही इंटेंस फिल्म है और बहुत ही इमोशनल फिल्म है, तो शूटिंग के बाद भी ये कभी कभी घर भी ये इमोशन घर तक चला आता था साथ साथ, लेकिन रिजल्ट देखने के बाद लगा कि इट्स वर्थ इट, ऐसी फिल्म भी करना बहुत ज़रूरी है खुद के लिए, ऑडियंस के लिए भी। 20 साल का ये करियर और एक लगभग 132 फिल्म, कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस, नए नए एक्सपेरिमेंट्स? अनबिलीवेबल, और आई थिंक दिस विल बी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा मेरे करियर में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द काइंड ऑफ रोल्स दैट आई विल प्रोबेबली चूज इन द फ्यूचर, क्योंकि मैंडेट मेरा क्लियर है कि ऐसे एक या दो फिल्म तो साल में करना ही करना चाहिए, जहाँ आप इश्यूज उठाएं, आप रिस्क लें, लेकिन साथ साथ एक चेंज ला सके सोसाइटी में, सिस्टम में, एक डेफिनेट मैसेज के साथ। एक एजुकेटेड इंसान नरसिम्हा जैसे, अपने दलम के लीडर जो विनोद खन्ना जी प्ले कर रहे, एजुकेटेड लीडर को कैसे सबक एजुकेट करता है अननोइंगली, इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन। साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड जो मिला, उसके बारे में क्या कहेंगे? खुश हूँ, नेशनली नहीं तो इंटरनेशनली तो लोगों ने टैलेंट को रिकग्नाइज किया, और खूबसूरती ये थी कि 100-200 फिल्म इंटरनेशनल फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म को रिकग्निशन मिली और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आखिरी सवाल, दर्शक ये फिल्म क्यों देखें, अन्ना क्या कहेंगे? परफॉर्मेंसेस, एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट, एक बहुत ही इमोशनल फिल्म, और नक्सलों की ज़िंदगी, अगर आप चाहें तो वो बदलाव आप उनकी ज़िंदगी में ला सकते हैं।